हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बी एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मज़े में होंगे, काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग है। काफ़ी शानदार, ज़बरदस्त और अमेजिंग लेक्चर रहने वाला है आपका, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ में आप एनटीएससी, एनएसएचएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स है बेटा, उनकी भी आप हमारे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी काफ़ी औसम शानदार ज़बरदस्त टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, और ये जो फैकल्टीज़ आपको नोट्स रेडी करवा रही है बेटा, ये आपके एग्जाम टाइम्स पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कीजिए, क्योंकि ये जो फैकल्टीज़ आपको प्रिपरेशन करवा रही है ना, ये प्रिपरेशन नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप वहाँ पर देखोगे कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। लेकिन जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेटा, तो आप क्या देखते हो वहाँ पर कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10। हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड रहने वाला है t.me/ttb07, क्लास 8 का आपका कोड है t.me/ttb08, एज वेल एज क्लास 9। मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb010। आपको क्या करना होगा, फटाफट से इस कोड को एंटर करना होगा और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना है, ताकि आपको अपने प्रिपरेशन का लेवल कंफर्म हो पाए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर है और कितनी करने की नीड है आपको। क्लियर है? चलिए, अगर इसके अलावा आप हमारे साथ अदर सोर्सेज से भी कनेक्ट होना चाहते हैं अदर सोर्सेज से, तो आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो बेटा, तो आप क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, और यहाँ पर उन्हीं में से मैंने एक डेमो लिया है आपके लिए क्लास 6 का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज़। आपको ये याद रखना है, आपको अपना पैकेज सेलेक्ट करते टाइम सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग ही अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, जैसे फर्स्ट पैकेज जो आप देख पा रहे हो, इसका जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 9,000 रुपीज़। इस 9,000 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेज, होमवर्क सबमिशन, बायोलिकल क्विज़ेस और पीरियोडिक सैम्पल पेपर, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। आपको क्या करना होगा बेटा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, सेकंड जो पैकेज है वो है आपके पास टेस्ट सीरीज का पैकेज, इसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज़। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, बाई वीकली क्विजेस। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 3,500 रुपीज़ में भी आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो बिना देरी किए आपको बाय पैकेज पर क्लिक करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते ही तो आपके लिए बहुत अच्छी है गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ क्या है बेटा, मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ 30% का डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक कोड यूज़ करना होगा बेटा, और वो जो कोड रहने वाला है आपका वो होगा LSLIVE। क्या कोड होगा बच्चा आपका, LSLIVE। ये इतना अच्छा कोड है, अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास फर्स्ट पैकेज है, उसका कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज़। कितना है, 9,000 रुपीज़। तो जब आप 9,000 रुपीज़ में ये कोड यूज़ करते हो, मतलब कि फर्स्ट पैकेज के लिए आप ये कोड यूज़ करते हो LSLIVE, तो आपको 2,700 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6,300 रुपीज़ में मिलेगा। कितने में, ओनली ऑन 6,300 रुपीज़ में। तो आपने देखा कि कहाँ आपका पैकेज 9,000 रुपीज़ का था, और LSLIVE ये कोड यूज़ करने के बाद आपका जो पैकेज हो गया वो ओनली ऑन 6,300 रुपीज़ हो गया। तो फटाफट से बिना देर किए हुए क्या करोगे, बाय पैकेज पर क्लिक करोगे और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आप पहुँच जाओगे।
यही कोड आपका टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज पर अप्लाई करते हो तो भी आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, और 30% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि ये जो टेस्ट सीरीज है आपका पैकेज 3,500 रुपीज का, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में मिलेगा, 2,450 रुपीज में। ओके बेटा, तो आपको क्या करना होगा, बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचोगे। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आपके लिए कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो इतना अच्छा है कि स्क्रीन पर नंबर गिवन है 9549041111, आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। चलो बेटा, अब हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। आपकी और हमारी बॉन्डिंग कब बनेगी, जब आप मेरे साथ प्रॉमिस करोगे। तो चलो प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा आप ऑलरेडी स्मार्ट स्टूडेंट तो है ही सही, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर स्मार्ट स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखना है, आपको अपनी स्मार्ट स्टडी कंटिन्यू करनी है। ओके, तो चलिए, जिस लेक्चर का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो लेक्चर हमारे सामने है, लेक्चर 2। आज हम नंबर सीरीज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी से रिलेटेड लेक्चर 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, लेकिन आपको नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इजी मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टफ क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इसमें पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, जो ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ईजी कॉन्सेप्ट वाले हमारे क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? ये हमारे जो आज के लर्निंग आउटकम्स वगैरह ये सारी चीज़ें रहने वाली है, आपको पता है इसे। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो बेटा इंट्रोडक्शन में आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सीरीज की सबसे पहले सीरीज में हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, एक कॉम्प्लिशन प्रॉब्लम्स होती है जिसे हम डील करते हैं। किसके साथ? विथ नंबर एंड अल्फ़ाबेट और बॉट टुगेदर, और इतनी सारी चीज़ों के साथ, मतलब कि नंबर्स के साथ, अल्फ़ाबेट के साथ। ओके, इसमें मेनली जो यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है बेटा, पैटर्न। मतलब कि इस सीरीज वाले जो टॉपिक है आपका, एक तरह से चैप्टर है, इसमें मेनली हमें पैटर्न के बारे में स्टडी करना था, जो कि हम कर चुके हैं लेक्चर 1 में, और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप लेक्चर 1 में स्टडी कर चुके हो। वैसे मैं एक बार आपके ब्रीफिंग करवा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हमने मेनली सीरीज के बारे में, टू टाइप्स के सीरीज के बारे में डिस्कशन किया है, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज। सबसे पहले ये है आपके पास नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में सिर्फ हम नंबर सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्फाबेट सीरीज बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो वहाँ पर हम इसे काफ़ी अच्छे से और पूरी एक तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है नेक्स्ट चैप्टर का, उसमें स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए मेनली आपको यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स दिए हुए हैं, इन्हीं के बेस पर आप इसे सॉल्व करते हो। तो चलो देख लेते हैं बेटा। चलो फर्स्ट जो आपके पास पैटर्न नज़र आ रहा है वो है एपी से रिलेटेड, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस से रिलेटेड। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आपके पास एक सीरीज होती है एपी की फॉर्म में, जिसमें या तो एडिशन मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज मिलती है या आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज मिलती है। जैसे कि इसमें फर्स्ट जो टर्म होती है ना वो होती है ए, और कॉमन डिफरेंस होता है डी। इसी में फर्स्ट जो टर्म है अगर हम उसमें डी एड करते जाए तो हमें नेक्स्ट टर्म्स मिलती जाएगी, जैसे ए फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म ए प्लस टू डी, a plus g, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d, इस तरह से a plus nd। ओके, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो a माइनस d, a माइनस 2d, a माइनस 3d, a माइनस 4d, इसी तरह से। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो a है आपका, ये क्या है, a फर्स्ट टर्म है। क्लियर है? और सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, a में एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे, d को। d होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म होगी आपकी a plus 2d, फिर a plus 3d, a plus 4d, मतलब कि प्लस माइनस हमने दोनों साथ ले लिया। हो सकता है कि पैटर्न आपको स्क्वायर की फॉर्म में मिल जाए, जैसे a के स्क्वायर, a के क्यूब, a के दी पावर 4, a के दी पावर 5, ये जो होगा आपके पास ये होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम GP बोलते हैं। ओके, थर्ड पैटर्न जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बेटा फ्रैक्शंस फॉर्म में, जैसे कि a
एंड सेकंड स्टेप होगी आपकी जो सेकंड टर्म होगी वो होगी a अपॉन के, थर्ड टर्म a अपॉन के स्क्वायर, फोर्थ a अपॉन के क्यूब, फिफ्थ a अपॉन के दी पावर 6। क्लियर है? इस तरह से नेक्स्ट चलती रहेगी। फिर आता है आपके पास सीरीज, प्राइम नंबर से रिलेटेड सीरीज भी हो सकती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23। ये जो सीरीज होगी ये आपकी इवन नंबर से रिलेटेड सीरीज होगी। और लास्ट जो होगा आपके पास सीरीज ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर से रिलेटेड सीरीज, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे जितने भी नंबर्स होंगे आपके प्राइम नंबर्स वो सारे ओड प्राइम नंबर्स होंगे। तो याद रखना हमेशा 2 आपका एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास सीरीज ऑफ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर तो आपको पता है ना, वो नंबर्स जो 1 या इटसेल्फ के अलावा और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं वो सारे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ओके, तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं मेनली हमारे क्वेश्चंस। फटाफट से देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है स्क्रीन पर, 1, 9, 25, 49, (?) 121। ये जो आपको पैटर्न दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आने वाला है, फटाफट से मुझे बता दो कौन सा नंबर आपके पास यहाँ पर आने वाला है, सॉल्व करके मुझे बता दो फटाफट से। 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। 1, 9, 25, 49, 21 कौन सा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर रिपीट होगा, फटाफट बताओ बेटा। देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करते हो आप तो 1 मिलता है, 3 का स्क्वायर ये है आपके पास, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो ये है आपके पास, 11 का स्क्वायर, मतलब कि ये जो नंबर्स देख रहे हो ये सारे कैसे नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं बेटा, ये सारे ओड स्क्वायर्स हैं, ओड नंबर के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 7 और 11 के बीच में जो आपका ओड नंबर होता है वो होता है 9, तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। कितना होता है बेटा, 81। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी। जिन बच्चों का ऑप्शन बी करेक्ट है उनके लिए क्लैपिंग, और जिनका नहीं है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 11, 13, 17, 19, 23, 25। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, फटाफट से बताओ। जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है इसमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आने वाला है, फटाफट से बताओ, जल्दी से बिना देर के हुए बता दो बेटा क्या मिलने वाला है यहाँ पर आपको। 30 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी करो। 11, 13, 17, 19, 23, 25। देखो इन दोनों की अगर आप बात करते हो तो -2, फिर बात करते हैं हम तो +4, फिर यहां पर हमें मिलता है -2, फिर मिलता है +4, फिर मिलता है -2, तो नेक्स्ट क्या होगा, +4। तो 25 में +4 करोगे तो क्या मिलेगा, 29। मतलब कि ये जो पैटर्न देख रहे हो आप, ये पैटर्न चल रहा है -2, +4, -2, +4, -2, +4, -2, +4। ओके, क्लियर है? मतलब कि ये जो हमारा पैटर्न है, सबसे फर्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर क्या मिल रहा है हमें, -2 करने पर मिल रहा है, फिर उससे नेक्स्ट नंबर हमें +4 करने पर मिल रहा है, फिर नेक्स्ट नंबर -2 पर मिल रहा है तो नेक्स्ट +4 पर मिल रहा है। ओके, तो ये आपका जो पैटर्न है वो -2, +4, -2, +4 पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर लास्ट जब हमारे पास -2 है तो इसके जस्ट बाद वाला हमें क्या मिलेगा, +4। तो 25 में हम +4 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 29। ओके बेटा, क्लियर है? फटाक से नोट करो इसे, चले आगे। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखिए, 6, 11, 21, 36, 56। सॉल्व करके बता दो, 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। 6, 11, 21, 36, 56 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपके पास क्या मिलेगा, फटाफट बताओ मुझे। सब कुछ है आपके पास ऑलरेडी, फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे क्या मिल रहा है आपको यहां पर, जल्दी से। फटाफट बताओ बेटा, पैटर्न आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, 30 सेकंड्स के आपके पास टाइम है, ऑप्शंस आपके सामने बिल्कुल है आपके, 42, 51, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते,
क्यों नहीं हो सकते बेटा? क्योंकि अगर ये होते तो ये यहाँ पर ही मिल जाते हमें, लेकिन नहीं मिल रहे, तो ये दो ऑप्शंस तो हटा दो। अब क्या बचे आपके पास? सी और डी। सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, दोनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फटाफट से बता दो जल्दी से। देखो इन दोनों की बात करते हैं हम, तो प्लस फाइव, फिर नेक्स्ट प्लस टेन, नेक्स्ट प्लस फिफ्टीन, नेक्स्ट प्लस ट्वेंटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फाइव का टेबल, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी, फिर क्या आने वाला है? ट्वेंटी फाइव। तो प्लस ट्वेंटी फाइव, फिफ्टी सिक्स में ट्वेंटी फाइव ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? एटी वन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, एटी वन। क्लियर है? समझ में आया आपको? कितना इजी कॉन्सेप्ट था, सिर्फ आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर बेटा आपको पैटर्न समझ में आता है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करोगे, ये गारंटी है मेरी। और अगर आप पैटर्न में ही कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर आप पजल्ड हो जाओगे कि उलझ ही जाओगे उसमें पूरी तरह से। क्लियर? इसलिए बहुत इजीली हर तरह से आपको देखना है कि ये एपी की फॉर्म में है, जीपी की फॉर्म में है, क्लियर है, या फ्रैक्शंस फॉर्म में है। हर फॉर्म को आपको देखना है, प्राइम नंबर तो नहीं है कहीं, कंपोजिट नंबर नहीं है कहीं, इवन नंबर, ओड नंबर, सब कुछ आपको अच्छे से देखना है। चलिए फटाक से नोट कीजिए इसे, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, चलो नेक्स्ट सीरीज है आपके पास 120, 99, 80, 63, 48। सॉल्व करके बताओ। फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या मिलने वाला है आपको यहां पर, जल्दी से। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, बहुत स्लो कर रहे हो सॉल्व, जल्दी करो थोड़ा। क्या आंसर मिल रहा है आपको करेक्ट यहां पर, जल्दी बताओ फटाफट से। सीरीज देखो, इनमें डी का डिफरेंस देखो, डी का डिफरेंस समझ में आए तो फिर नेक्स्ट चीज देखो। इसी तरह से सॉल्व करना है हमें इसे, फटाफट से देखो। देखो एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं कि ना तो 39 मिलेगा ना 40 मिलेगा, ये दो तो मिल नहीं रहे हमें, ठीक है, ये दो तो हमारे कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचते हैं? 35 और 38। इन दोनों में से आपका आंसर मिलने वाला है, और मुझे जहां तक लगता है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, आपका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा ऑप्शन ए। क्यों? देखो यहां पर माइनस 21, माइनस 19 यहां से यहां तक, यहां पर माइनस 17, माइनस 15, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? माइनस 13। 48 में से 13 सेपरेट करने पर आपको 35 ही मिलता है। तो ये जो सीरीज चल रहा था, इस सीरीज में क्या हो रहा था, हमारे पास जो ये ओड नंबर है, इस ओड नंबर में सप्रेक्शन हो रहा था। क्लियर है? माइनस 21, माइनस 19, माइनस 17, 15, 13, ओके क्लियर है? फटाफट नोट करो इसे, चलो जल्दी से चले आगे, आ जाइए। चलो ये सॉल्व करके बताओ फटाफट। स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना आपको सीरीज पैटर्न, एक पूरा 0 2 8 14, 0 2 8 14 34। फटाफट से देख के बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका, करेक्ट बताओ जल्दी से, क्या ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी डी में से, जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आपका इसमें, फटाफट बेटा बिना देर किए हुए जो करेक्ट ऑप्शन है फटाफट से मुझे बताओ। देखो यहां आपके पास है प्लस 2, फिर आपके पास है प्लस 6, फिर आपके पास है प्लस 10, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? अगर प्लस 10 करते हो तो क्या मिलेगा आपको? 24। 24 में प्लस 10 करते हो तो 34, मतलब कि यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको वो मिलेगा 24, ऑप्शन सी। क्योंकि बेटा देखो इसमें प्लस 10 करोगे आप तो 24 मिलेगा इसके बाद में, और 24 में आप अगर प्लस 10 करते हो तो 34 मिलेगा। तो ये जो सीरीज चल रही है, ये प्लस 2 के बाद में प्लस 6, फिर यहां पर भी अगर आप देखते हो तो ये वाली जो हमारे पास सिस्टम है पूरा, ये भी प्लस 6 का ही मिलता है, ओके क्लियर है? पर नेक्स्ट जो मिलता है यहां मिलता है हमें प्लस 10, जैसे कि ये वाला, ओके ये प्लस 10 है तो ये भी प्लस 10 है। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों में जो हमें मिलता है वो प्लस 10 प्लस 10 वाला सिस्टम मिलता है, ओके तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन
सी। ओके चलिए फटाफट से बताओ अब सीरीज आपके सामने स्क्रीन पर, 30 सेकंड्स का टाइम में दे रहा हूं आपको, 28, 33, 31, 56, 39 कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका, जल्दी से मुझे बता दो। 30 सेकंड्स का मैं टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से सॉल्व करो बेटा फटाफट, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी से। 36 और 39 मतलब कि आपका जो आंसर रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है, और बहुत अच्छा रहेगा मतलब कि 40 तो नहीं रह सकता बेटा, ये तो हो गया आपका इनकरेक्ट। क्यों हो गया? क्योंकि बेटा यहाँ पर 39 है, 39 के आगे आता है 40, ये इनकरेक्ट, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये यहीं पर मिल जाता हमें, 34 और 38 इन दोनों में से कोई आपका एक आंसर है। अब फटाफट से मुझे बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है। मैंने आपको देखो सॉल्व करके भी बता दिया एक तरह से, दो ऑप्शन तो मैंने कैंसिल कर दिया, अब एक ही ऑप्शन है आपके पास करेक्ट ऑप्शन, फटाफट बताओ। देखो पैटर्न को पहले अरेंज कर दो, कर दिया, यहां देखो क्या हो रहा है, प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा, माइनस 2, माइनस 2 करने पर क्या मिलेगा, 36 में से माइनस 2 किया तो 34, क्या मिला 34, फिर 34 में प्लस 5 किया तो हमने 39, मतलब कि जो हमारा पैटर्न चल रहा है प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 ये वाला फॉर्म चल रहा है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो नंबर मिलता है वो नंबर कौन सा है हमारा, 34। ओके क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 325, 259, 204, 160, 127, 105। अब मुझे फटाफट से इसमें आंसर बता दीजिए आप, पैटर्न चेक करो फटाफट से, टाइम काफी सारा हो गया बेटा, 22 मिनट्स हो गए, जल्दी करो, जल्दी सॉल्व करो यार, काफी सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, फटाफट सॉल्व करो। चलो फटाफट से क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क के सबसे लास्ट में बेटा, इन दोनों में देखो आप, 325 और 259 डिफरेंस कितना है, 15 में से 9 गए तो 6, 11 में से 5 गए तो 6, मतलब कि -66। 325 में से अगर हम 259 को माइनस करते हैं तो 66 को डिफरेंस सबट्रैक्ट करते हैं तो 259 मिलता है। ओके इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको 55 का नजर आ रहा है, हाँ या ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहां पर 44 का डिफरेंस नजर आ रहा है, 33 का डिफरेंस नजर आ रहा है, 22 का डिफरेंस नजर आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 11 का डिफरेंस, 105 में से सबट्रैक्ट कर दो 11 को, ये लो 4, 9, क्या मिला आपको, 94, करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, 94। तो फटाफट से देखिए 94 कहाँ है आपके पास, ऑप्शन ए में, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, फटाफट नोट कर लो बेटा इसे, जल्दी से बिना देर के हुए नोट करो, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो हमें सीरीज मिल रही है ना इसमें 11 के टेबल देख सकते हैं हम, एक तरह से हमें क्या मिल रहा है, 11 का टेबल मिल रहा है, वो भी उल्टा, -11, -22, -33, -44, अगर आप इसे उल्टा लिखते हो तो -66, -55, -44, -33, -22, -11 यही करोगे ना, वही तो हमने किया है, तो फटाफट इसे नोट कर लो, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चले आगे, हो गया नोट, चलो सीरीज को सॉल्व करो जल्दी से, 30 सेकंड्स का टाइम इसके लिए भी आपके लिए, 2, 3, 5, 7, 11, 17 फटाफट से बताओ, 30 सेकंड्स का टाइम भी नहीं लगना चाहिए, इसमें तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार,
30 सेकंड्स का टाइम भी नहीं लगना चाहिए इसमें। 2, 3, 5, 7, 11, 17, 33 सेकंड्स भी नहीं लगने चाहिए बेटा, 30 सेकंड्स भी नहीं लगने चाहिए। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद में क्या आता है, क्या आता है, 12 आता है सर, लेकिन 12 तो हो नहीं सकता। 13 बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट 13। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज मिल रही है ना आपको, ये कौन सी सीरीज मिल रही है बेटा, प्राइम नंबर वाली सीरीज मिल रही है। कौन सी? प्राइम नंबर्स। और आपको तो पता है प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल हो या वन से डिविजिबल हो, वो सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर है? तो यहां पर आपने क्या देखा कि आपको जो ये सीरीज मिल रही है, ये सीरीज प्राइम नंबर्स की फॉर्म में मिल रही है, और साथ में यहां पर 11 के बाद और 17 से पहले जो प्राइम नंबर आता है वो हमारे पास है 13। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। बाकी ऑप्शन को आप देखते हो तो ये 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है। 1, 2, 7, 1, 3, 5, 15। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। चलो इस सीरीज को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दो मुझे। 1, 9, 25, 49, 81, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है ना। 30 सेकंड लोगे क्या इसके लिए भी? नहीं लोगे ना, तो फटाफट सॉल्व कर दो, फटाफट से सॉल्व कर दो। फटाफट से सॉल्व कर दो बेटा। क्या ऑप्शन आ रहा है आपका? क्या 121 करेक्ट आंसर आ रहा है? जिन बच्चों का 121 करेक्ट है वो बिल्कुल सही चीज है, और जिनका नहीं है वो देखो बेटा, 1 का स्क्वायर ये है, 3 का स्क्वायर ये, 5 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 के जस्ट बाद में क्या आता है, ऑड नंबर 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। तो ये जो मिल रहा है आपको स्क्वायर मिल रहा है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, क्या मिल रहे हैं ये आपको, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के स्क्वायर मिल रहा है। ओके, उस पैटर्न में मिल रहा है। चलो फटाफट से इसे सॉल्व करो, जल्दी से कर दो बिना देर किए हुए। 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16, जल्दी से सॉल्व करो बेटा। 30 सेकंड्स का टाइम मैं इसके लिए दे रहा हूँ आपको, आराम से थोड़ा सा ध्यान से समझना बस, बहुत इजी पैटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, जल्दी से सॉल्व करो इसे। क्या हो गया भैया, क्यों नाराज हो रहे हो? अभी भी प्रॉब्लम? क्या हो गया? लगता है बोर्ड नाराज हो रहा है बेटा आपसे, वैसे मुझसे भी हो सकता है। नहीं नहीं अब नहीं है, नाराज की दूर हो गई बोर्ड की। ओके चलो, क्या आंसर मिल रहा है फिर आपको करेक्ट, क्या 64 मिल रहा है? जिन बच्चों का 64 है वो करेक्ट है, और जिनका नहीं है वो देखो अब सीरीज देखो, 1, 1, 4, 8, 9, 27 एंड 16। ओके बेटा इसे देखो, ये 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 1 1 का क्यूब करोगे तो भी 1, ये है आपके पास 2 का स्क्वायर, तो ये है आपके पास 2 क्यूब, ये है आपके पास 3 स्क्वायर, तो ये है आपके पास 3 क्यूब, तो ये क्या होगा आपके पास 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब जो होता है वो तो 64 होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 64 है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो बिल्कुल इजी समझ में आ रहा है हमें। 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो भी 1, 1 का क्यूब करते हैं तो भी 1,
टू का स्क्वायर करते हैं तो फोर है, और टू का क्यूब करने पर ही एट मिलेगा। तो हमें जो पैटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब फॉर्म में। तो फोर का स्क्वायर जब 16 है तो फोर का क्यूब 64 होगा, और 64 इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका है। ओके 256 ये 8 का क्यूब है, 81 9 का स्क्वायर है, 32 किसी का क्यूब नहीं है कि ना किसी का स्क्वायर है। ओके चले आगे, चलिए 48 24 96 48 192। अब देखो फटाफट से मुझे बताओ ये पैटर्न कौन सा है और इसमें हो क्या रहा है। 30 सेकंड्स का आप टाइम लीजिए, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना, लेकिन बेटा बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कर लेना इसे। आपका जितना भी एक तरह से कह सकते हो आपकी डाउट हो रहा होगा ना आपको कि यार ये ग्रेटर देन हो रहा है, लेस देन हो रहा है, असेंडिंग हो रहा है, डिसेंडिंग, बेटा मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो, ऐड करके देखो, सबट्रैक्ट करके देखो, पूरे एफर्ट्स लगा दो, आपको अपना आंसर गारंटी मिल जाएगा। फटाफट देखो, फटाफट से देखो, आपका जितना भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम मैं दे रहा हूँ आपको, आपके पास वैसे वॉच लगी हुई है, इसे नजर आ ही रहा है आपको, आप चाहें तो 30 सेकंड्स का टाइम ले सकते हैं पूरा पूरा, लेकिन मुझे आंसर सॉल्व करके दीजिए इसका जल्दी से, फटाफट से। फिर से टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी करो बेटा जल्दी, क्या आंसर मिल रहा है फटाफट मुझे बताओ। चलिए यहां आइए, देखिए कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है घबराना नहीं है। क्लियर बेटा, अगर आप इन दोनों में देखते हो तो डिवाइड टू का हो रहा है, 24 में जब आप टू से डिवाइड करोगे, सॉरी 48 में जब आप 24 का डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा भाई, डिवाइड करने पर ही तो मिल रहा है ना, टू से डिवाइड करने पर ही तो 24 मिल रहा है। क्लियर, इसी तरह से इन दोनों की बात करते हैं तो ये फोर से मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है, करेक्ट है। चलो यहां पर देखो, 96 में अगर हम 2 का डिवाइड करते हैं तो हमें 48 मिलता है, मतलब कि डिविजिबल बाय 2। अगर हम 48 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें 92 मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 84 था 32 का 2 कैरी गया 3, 84 था 30 देखो 84 था 32 का 2 कैरी गया 3, क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं, और 44 था 16 और 3 90, बिल्कुल करेक्ट है। तो 192 में आप डिवाइड करोगे 2 का तो 2 9 18, 1 बज गया, 2 6 12, तो आपको क्या मिलेगा 96। तो आपकी जो नेक्स्ट सीरीज मिल रही है आपको वो क्या मिल रही है 96, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 96। ओके ये हमें जो सीरीज का फॉर्म दिया हुआ है ये डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 96 है। ओके क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 927 31 155 161 और 1127। अब फटाफट से बेटा इसको सॉल्व करके बता दो मुझे जल्दी से, सारे एफर्ट्स लगा दो आपके जितने भी हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से समझो इसको, 30 सेकंड्स का मैं आपको पूरा पूरा टाइम दे रहा हूं यहां पर, सॉल्व करो आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर आंसर करेक्ट होना चाहिए, आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आराम से चिल करके सॉल्व करो इसे, टाइम का ध्यान रखना क्योंकि 34 मिनट समथिंग का टाइम हो चुका है हमें, तो थोड़ा जल्दी करना है ना। फटाफट बताओ क्या आंसर मिल रहा है, सॉल्व किया आपने तो फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर मिल रहा है आपको यहां पर जल्दी से।
चलिए ये आपके पास देखो सीरीज है, ओके। अगर आप इन दोनों को देखते हो तो आपको क्या मिलता है, मल्टीप्लाई बाय थ्री करते हो और जब मल्टीप्लाई बाय थ्री करके ऐड कर देते हो फोर, तो 31 मिलता है, करेक्ट है भाई। नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे जब 27 मिलेगा, 27 में फोर ऐड करोगे तब आपको मिलता है यहाँ पर फोर। अगर 31 को आप मल्टीप्लाई कर दो फाइव से तो क्या 155 मिलेगा, बिल्कुल, 5 1 5 5 3 15। और 155 में अगर आप ऐड कर देते हो 6 तो 161। इसी तरह से 161 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 7 से तो मिलता है आपको 1127। तो 1127 में अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको मिलता है 1135, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है। कोई प्रॉब्लम यहाँ आता है? अब बताओ, पैटर्न समझ में आया, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6, मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8, मतलब कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी का जस्ट अगला नंबर ऐड करना है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर ऐड, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट नंबर ऐड। क्लियर है? फटाक से नोट करो, फटाफट हो गया नोट? चलो इसे सॉल्व करके बता दो। अब 3715 आपके सामने है पैटर्न पूरा, 30 सेकंड्स का मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर, सॉल्व करो मुझे आंसर बताओ, 30 सेकंड्स है पूरे बेटा आपके पास, जल्दी से आंसर चेक करके बता दीजिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बस आपका। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पर। फटाफट देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए मुझे। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने है, 52 हो सकता है, 47 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, मतलब कि ऑप्शन चारों में से हो सकते हैं ना, लेकिन कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन तो इन चारों में से ही होगा, ये तो आप श्योर हो। तो देखो 3 7 15 63 127, ये आपके पास पैटर्न है, ओके। बेटा इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो क्या आप 3 × 2 + 1 करने पर 7 नहीं मिल रहा है भाई, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और उसमें अगर 1 ऐड करोगे तब आपको 7 मिलता है। 15 कब मिलेगा, जब आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और 1 ऐड करोगे तब आपको मिलेगा 15। तो 15 के जस्ट बाद वाला नंबर कब मिलेगा, जब आप 15 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से और ऐड करते हो 1, तो मिलता है आपको यहाँ पर 31। क्या मिलता है, 31। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, 31। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। देख लेते हैं आगे भी, चेक कर लेते हैं एक बार, 31 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, बिल्कुल 63 मिल रहा है। नेक्स्ट भी देख लो, 63 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 127। तो हमने क्या देखा कि जिस जो नंबर हमें फर्स्ट नंबर दिया है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर मिलता है, फिर नेक्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 नंबर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है नेक्स्ट नंबर, फिर नेक्स्ट के लिए हम उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो नंबर हमें मिलता जा रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ और 1 ऐड करते जाओ, तो आपको अपनी सीरीज कंप्लीटली फाइंड हो जाएगी, ओके। चले चलो 1514 30 55 91, अब इसे सॉल्व करके मुझे बता दो, फटाफट से बता दो, 1514 जल्दी से, सीरीज आपके सामने है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं पानी पी लेता हूं जब तक, जल्दी सॉल्व करके बता दो, 30 सेकंड्स का आपको पूरा मैं टाइम दे रहा हूं यहां पर।
फटाफट से बताओ बेटा, टाइम भी हो रहा है, थोड़ा जल्दी करो, फटाफट से बताओ, फटाफट बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका करेक्ट, जल्दी से बताओ फटाफट से। चलो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन नजर आ रहा है 1, 5, 14, 30, 55, 91, देखो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देख रहे हो और समझ रहे हो तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आने वाली है। क्यों? उसका रीजन देखो, यहाँ वन है, ये वन, अगर हम इसमें टू का स्क्वायर एड कर देते हैं तब जाकर हमें मिलता है 5, बिल्कुल करेक्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है 5, 5 में अगर आप 3 का स्क्वायर ऐड कर देते हो तो आपको मिलता है 14, 14 में अगर आप ऐड कर देते हो 4 का स्क्वायर तो मिलता है 30, 30 के में अगर आप ऐड कर देते हो 5 का स्क्वायर तो आपको मिलता है 55, 55 में अगर आप ऐड कर देते हो 6 का स्क्वायर तो मिलता है आपको 91। तो बेटा यहां पर क्या करोगे, 91 में ऐड करोगे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 91 प्लस 49 मतलब कि 140, करेक्ट ऑप्शन इज 140। क्लियर? हमने क्या देखा यहां पर, जो नंबर हमें दिया हुआ है ओके, उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें जो स्क्वायर फॉर्म ऐड करना है वो कौन सा करना है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो नंबर दिया है उसमें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐड करते जाओ, आपको अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू मिल जाएगा। तो फाइनली हमारी जो लास्ट जो सीरीज टर्म थी वो कौन सी है, 140। ओके चलो फटाफट इसे सॉल्व करो, 24, 60, 120, 210, जल्दी से सॉल्व करो इसे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फटाफट से सॉल्व करो, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, पूरा टाइमर आपके पास ऑलरेडी चल ही रहा है, जल्दी करो। जिनका 336 आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो 6 × 4 + 0, 6 × 6 + 4, नेक्स्ट 6 × 6 + 4 + 2, क्लियर है? तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा, 336। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, नॉर्मल सी सीरीज है आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये आपको सॉल्व करना है। चलो फिर सीरीज देखो आप यहां पर 45, 54, 47, 49, 56, फटाफट सॉल्व करके बताओ, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है पूरा पूरा, फटाफट से सॉल्व करके मुझे बता दो क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देख रहे हो तो इसे हम टू टर्म्स में लिख सकते हैं, 1, 3 इस तरह से लिख सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ओके 45, 47, 49, 51, 53, ओके। सेकंड में देखो आप, सेकंड सीरीज क्या है आपके पास, 54 क्वेश्चन मार्क, 56, 57। अब बेटा आपको ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है ये वाला, तो यहां पर तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, +2, +2, +2, +2, +2, ओके, लेकिन यहां कंटिन्यू चल रहा है। देखो अगर यहां पर हम 55 कर देते हैं तो हमारी सीरीज बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि 54 और 56 के बीच में हमें 55 भी मिलता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी कॉन्सेप्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 625 फिर 5, 125 फिर 25, यहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट से बताओ यहां पर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट बोलो, बिल्कुल आ रहा है ना यार, 625, 25 × 25, ओके ये 5,
5 into 5 into 5, फिर ये 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर मतलब कि ये पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, तो यहां पर क्या हो रहा है 5, 25 के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो क्या आएगा हमारा 125, तो क्लियर है हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या होगा 125 होगा, क्यों, क्योंकि पावर वन है यहाँ, पावर टू है यहाँ, तो नेक्स्ट क्या होगा पावर थ्री, नहीं आ रहा है समझ में तो इधर देखो, घबराना नहीं है, 625, 5, 125, देखो इसे हम टू टाइप्स में लिख देते हैं जैसे हमने लास्ट को सॉल्व किया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, 625, फिर 125, 25, और फिर आपके पास 5, यहां पर है 5, फिर 25, ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, चलिए ओके, अब यहां क्वेश्चन मार्क का आपको रिप्लेस करना है, तो बेटा यहां आप देख रहे हो कि 5 की पावर 4, 5 into 5, 25, 25 into 5, 125, 120 into 5, 625, मतलब कि 625 को आप क्या लिख सकते हो 5 की पावर 4, 125 को 5 की पावर 3, फिर आपके पास 25 मतलब 5 की पावर 2, और 5 मतलब 5 की पावर 1, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो सेकंड में देखो ना आप, यहां पर 5 की पावर 1, 5, 5 की पावर 2, 25, तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 मतलब 125, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा 125, मतलब कि ऑप्शन सी, ओके क्लियर है, बस आपको इजीली ध्यान देना है कि पैटर्न कौन सा चल रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पैटर्न जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, इस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे तो बहुत कंफर्टली और बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे, अब ये देखो 11, 10, 100, फिर 1001, 1001, तो बेटा यहां पर जो आपको मिलने वाला है वो तो डायरेक्ट ही नजर आ रहा है यार, ओके कर लोगे इसे तो सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखो 046, 3796, आप चाहो तो इसे पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो, 046, जीरो फोर सिक्स थ्री सेवन नाइन, ये तीनों इवन है, ये तीनों ओड है, फिर क्या आएंगे आपके पास इवन 6, 8, 12, करेक्ट है हाँ या ना, देखो ये आपके पास कितना है 046, तो यहां पर आएगा 6, फिर 10, फिर 12, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका 10 होगा, ओके क्यों, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमें इवन नंबर मिल रहे हैं, 2 के मल्टीपल है ये सारे, क्या है ये 2 के मल्टीपल है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास ये ओड है, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 के मल्टीपल मिलने चाहिए, क्लियर है, तो 6, 10, 12, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90, 180, फिर 1250, इजीली सॉल्व कर लोगे आप इसे, ये आपके पास फ्रैक्शंस फॉर्म में है, इजीली मिल जाएगा बेटा इसका आंसर, ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने होमवर्क के लिए बनवाए हैं, फटाफट से देख लो, जल्दी से फटाफट देखो, यहां पर 18, 27, 64, 125, 125 के बाद क्या आने वाला है, अरे यार बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से फटाफट देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 256, यही होगा 6 into 6 into 6, तो नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास 6 का क्यूब होता है आपका 256, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आपके पास जो पैटर्न मिल रहा है इसमें आपको 21th टर्म पूछा गया है, आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ओके यहां पर आपसे 8th टर्म पूछा गया है, 4 टर्म दे दिया है, नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है आपको,
तो ये बेटा कुछ क्वेश्चंस थे आपके होमवर्क के लिए, ये आपको सॉल्व करने हैं। ओके, आज का हमारा जो लेक्चर था वो मेनली नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बेस पर था, जिसमें हमने काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया उन्हें सॉल्व ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे बेटा। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम बेटा, बाय।